जय हनुमान, जय श्री राम। केला बराबर, गुच्छे गुच्छे लो, गुच्छे गुच्छे लो। अरे केला सबको खिलाया जाए कि? अरे भाई, हनुमान जी की सेना है, परम पिता परमेश्वर की सेना है, राम बतेरी, राम दुलारी, राम स्वरूप, राम फल सभी आ जाइए। ये ओ आराम से खाओ, प्यार से लो, सभी को मिलेगा, सबके लिए जाना जी रहे, सभी को मिलेगा, सबको लीजिए। आप भी ले लो बाबू, आप भी ले लीजिए, ये लो, ये खा लीजिए, आप ये खा लीजिए। बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सिदाओ। गुच्छा फेंक दो भाई, केला गुच्छा फेंक दो। अरे गुच्छों की कमी नहीं है, केला की कमी नहीं है भाई, आपको बराबर खाना खिलाया जाता है। हनुमान जी का आदेश होता है, परम पिता परमेश्वर का आदेश होता है। ओहो, सेनापति कितने सब अच्छे है, सेनापति जी बैठ गए हैं। ये लो सेनापति जी, खा लो सब, एक और ले लो भाई, सेनापति एक और ले लो, एक और ले लो। राम भितरी के परिवार वाले भी आ गए हैं, समझौता करा दिया गया है हनुमान जी ने, राम भितरी और सेनापति के परिवार वालों का समझौता करा दिया गया है। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान। फिर दोबारा केला आ गई है, दोबारा केला आ गई है, बराबर केले के गुच्छे गुच्छे आ रही है, बराबर केला के गुच्छे की गुच्छे आ रही है। अरे भाई, हनुमान जी की सेना है, परम पिता परमेश्वर की सेना है। बोलो जय श्री राम, सभी लाइन में लग जाइए, लाइन में मिलेगा, लाइन में लग जाइए, लाइन में मिलेगा। ये लो, आप भी लो, छीना झपटी करने की जरूरत नहीं है। राम भित्री के परिवार वालों, राम भित्री के परिवार वाले ही झगड़ा करते रहते हैं, सेनापति के परिवार वाले तो बहुत अच्छे हैं बेचारे, कुछ नहीं कहते, ये तो अपने धुन में रहते हैं। परिवार आ गया है, सेनापति का पूरा परिवार आ गया है, राम गुच्छे गुच्छे फेंके जा रहे हैं, सभी को खिलाया जाएगा। हनुमान जी की सेना है, अजर अमर है और भक्ति में शक्ति है। अरे भाई, परम पिता परमेश्वर का रूप है इनके अंदर, इनकी जितनी सेवा करेंगे। लियो आप लो, लड़ाई करते रहते हो, मुए दो लो, तीन लो, चार लो, पांच लो, छह लो, 10 लो, 20 लो। अरे केला की केला, टोकरे टोकरे खाली हो जाएंगे। पैर तो छोड़ दो, पैर तो छोड़ दो, सभी को मिलेगा, कोई नहीं बचने का। ओहो, लो छीन के ले गई, ये तो भाई छीन के ले गई है ये। और ये ओहो, अभी चने के दाने, मूंगफली के दाने की फरमाइश चल पड़ी है, मूंगफली के दाने की फरमाइश चल पड़ी है। अरे भाई, ये तो भक्ति में शक्ति है, ये दो कैसे टूट पड़े हैं, हनुमान जी की सेना कैसे टूट पड़ी है, कितना प्यार करती है हमको, आप देख सकते हो, इस वीडियो में देख सकते हो। अरे ये उन्हीं से प्यार करती है जो हनुमान जी के भगत होते हैं, जो परमपिता परमेश्वर भगत होते हैं। हनुमान जी की सेवा में मेवा है और भक्ति में शक्ति है। बोलो जय सिया राम, बोलो जय हनुमान, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय। यही भक्ति आई शक्ति है, जब तक जीवन है, जब तक खिलाएंगे। वानर सेना नहीं है, हनुमान जी का रूप है, परम पिता परमेश्वर रूप है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखो नारे लग चुके हैं हनुमान जी के, बराबर नारे चलते रहते हैं, सेना भी बराबर नारे लगाती रहती है हनुमान जी के। अरे भाई, भक्ति में शक्ति है। देखो कहाँ चढ़ गई, देखो ये कहाँ कहाँ घूम रही है, देखो कहाँ घूम रही है, देखो कहाँ घूम रही है। यही तो प्यार है, यही तो अद्भुत नज़ारा है, यही तो प्यार है, ये अद्भुत नज़ारा है। सारी सेना आ गई है, सारी फौज आ गई है और सभी को प्यार से खिला जाता है, कोई नहीं बचने का। हजारों दर्जन केला डेली बांटी जाती है, डेली बांटी जाती है, कई कई किलो चने मूंगफली के दाने भी हनुमान जी के सेना को खिलाए जाते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, जय हो, जय हो, जय हो। अरे भक्ति में शक्ति है भाई, भक्ति में शक्ति है, परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से खिला जाता है। अरे राम स्वरूप कहाँ चढ़ रहा है, मेरे पेट पड़ा है क्या, छोड़ दे छोड़ दे, आराम से खा ले, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, कोई नहीं बचने का। सेना जर अमर है, मैं भी बैठ जाता हूँ, मैं भी बैठ जाता हूँ। ये देखो क्या चल रहा है, गदगद नज़ारा हनुमान जी की सेना के द्वारा। अरे भाई, हनुमान जी की सेना ही है जो सारे वर्ल्ड पर विजय कर सकती है। लंका को पराजित करके सीता माता को लेकर आए थी, यही वे सेना है। इनके दर्शन से भी, इनके दर्शन से ही आपका जीवन सफल हो जाएगा, इनके दर्शन से ही आपका हर दुख दुख दूर हो जाएगा। हनुमान जी कहते हैं, मेरी सेना को खुश रखोगे तो मैं तुमको प्रसन्न होकर तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, तुम्हारे दुख हर लूंगा और तुम्हें कभी किसी संकट में नहीं आने दूंगा। बोलो जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो चुकी है, जय हो चुकी है और भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। अरे परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से खिला जाता है भाई, हम खिलाने वाले नहीं है। ये देखो अद्भुत नज़ारा, हनुमान जी की सेना के द्वारा दौड़ी दौड़ी आ जाती है, दौड़ी दौड़ी आ जाती है हमारे पास। और जंगल में मंगा, ओहो, ये उपसेनापति जी आ गए हैं, उपसेनापति जी आ गए हैं, क्या बात है, क्या बात है। आखिर सेना के मालिक है, फौज के मालिक है, सेनापति बनाए थे हनुमान जी ने। हनुमान जी के पैरों के पड़े, पैरों में पड़कर रोने लगे थे सेनापति जी। हनुमान जी, हनुमान जी ने गले लगाकर बोला, हे सेनापति, हे सेनापति, तुम तो मेरे प्रिय भगत हो, अगर तुम ही परेशान होगे तो फिर जीवन में क्या है, जीवन में कुछ नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है, इसीलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक जीवन है
और जब तक तुम्हारा जीवन है तुम अजर अमर हो सेनापति, तुम अजर अमर हो और भक्ति में शक्ति है। हनुमान जी ने तुरंत माथे पे हाथ रखकर गले लगा लिया और सेनापति को सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया। राम भतेरी भी सेनापति बनी थी, वे भी प्रभु की बड़ी प्यारी है, प्रभु की बड़ी लाडली है। अरे सभी हम भी बैठ जाते हैं, हमको बैठा लिया सेनापति ने, हाथ पकड़कर बैठा लिया। हे प्रिय भगत हमारे बैठ जाइए, सेनापति ये बोले, हमको बोले सेनापति, हे प्रिय भगत बैठ जाइए। हम तुरंत बैठ गए। अरे इधर आ जाओ, इधर रोड से इधर आ जाओ, टकरा जाओगे। हमारी बात मान लेती है सेना। और सेना रोड से इधर आ गई है, हम भी बैठ जाते हैं। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे पालनहारा, हे सृष्टि के रचयिता, हे पवन पुत्र, हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं, जैसे कर्म करेगा ऐसे फल देगा भगवान, सबकी खुशी में हमारी खुशी और हमारी खुशी में सबकी खुशी। हम तो यही सोचते हैं, जैसा विचार होगा ऐसे ही मन होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, हम तो यही कहते रहते हैं। बोलो जय, खा लो, ले लो, सबको मिलेगा। अरे हनुमान जी की सेना है, परम पिता परमेश्वर की सेना है, लड़ाई मत करो, गुस्सा मत दिलाओ। राम भतेरी हमारे पास कैसे बैठ गई है, देखो अद्भुत नज़ारा, हनुमान जी की सेना के द्वारा कैसे बैठ जाते हैं हमारे लिए, ऊपर नीचे चढ़ जाते हैं, हमसे प्यार से बातें करते हैं, हम ही इनके भाव समझते हैं। जब भी इन्हें कुछ खाना होता है हमको इशारों में बोल देते हैं, हम इनकी वही फरमाइश पूरी कर देते हैं। ये देखो कैसे बैठ गई है राम भतेरी का परिवार, हमसे नहीं लड़ता, हमसे केवल गुस्सा कर देता है, हम भी गुस्सा कर देते हैं, हम गुस्से में इनको धमका भी देते हैं, लेकिन हम प्यार भी बहुत करते हैं। सेना है, हनुमान जी की सेना है, इनकी सेवा में मेवा है, ये अजर अमर है और भक्ति में शक्ति है, इनके दर्शन से ही दुख दूर हो जाएंगे, इनकी सेवा में ही सारे दुख परमात्मा हर लेंगे, परम पिता परमेश्वर श्री राम हनुमान जी खुश होकर आपको दर्शन दे जाएंगे। बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान। मंगल हो या सोमवार हो या शनिवार हो, हमारे लिए तो हर दिन हनुमान जी का दिन होता है, हम तो हर दिन खाना खिलाते रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमें होश नहीं है, हम तो बेहोश मतलब अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, हम तो निस्वार्थ खाना खिलाते हैं, हम तो निस्वार्थ हनुमान जी की सेवा करते रहते हैं। बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान, बोलो बजरंग बली की जय हो, बोलो श्री रामचंद्र की जय हो, बोलो परम पिता परमेश्वर हनुमान जी की सेना को भरपूर केला खिला दी गई है, जहां तक नजर आएगी आपको हनुमान जी की सेना नजर आएगी, हनुमान जी के सेनापति के दर्शन कर लीजिए, गदगद हो रहे हैं, बहुत विशाल सेना है, नन्हे मुन्ने बच्चे लोग कैसे चहल पहल रहे हैं, आखिर हनुमान जी की सेना है, भक्तों की भक्त है और परम पिता परमेश्वर आशीर्वाद से खिलाई जाती है। सेना खाकर उधर से निकल पड़ी है, सेनापति अपनी सेना को लेकर जा रहे हैं, दो सेनापति अब सेना पर जा रहे हैं, देखो नजर देखो हनुमान जी की सेना कैसे जा रही है, अद्भुत नजर आ, हनुमान जी की सेना के द्वारा जहां तक नजर आएगी आपको हनुमान जी की सेना नजर आएगी। बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान। छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सभी, सेनापति जी कहां जा रहे हो, सेनापति टूट पड़े हैं, मुझे लग रहा है राम भद्र ने हमला कर दिया, इसलिए सेनापति जंगल की तरफ कूच कर रहे हैं। अरे राम भद्र की अच्छी बात नहीं, उसकी शिकायत हनुमान जी के पास जा चुकी है, वो कभी भी हनुमान जी की सेनापति नहीं बनेगी। बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय। जय हो चुकी है और भक्ति में शक्ति है। आपका बूढ़े सेनापति के दर्शन करा देता हूँ, ये देखिए बूढ़े सेनापति जी कैसे हो आप, किसने राम भद्र ने इनको भी नहीं छोड़ा, ये देखो बूढ़े सेनापति है बेचारे, बूढ़े सेनापति राम भतेरे ने इनको भी नहीं छोड़ा, आखिर बूढ़े हो चुके हैं, 100 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है, 250 साल की उम्र हो चुकी है बूढ़े सेनापति की, बेचारे बूढ़े हो चुके हैं लेकिन अभी हिम्मत नहीं हारते। बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय। जंगल में मंगल हो चुका है, जंगल में मंगल हो चुका है, जहाँ तक आपकी नजर आएगी ये राम भद्र की परिवार वाली है, जो कैसे लड़ने उतारू हो रही है, राम भद्र की परिवार वाले लड़ते हैं और कोई नहीं लड़ता। बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय। जंगल में सेना प्रवेश करती रहती है, कभी ना कभी ऐसा होता है कि जंगल में हजारों की संख्या में सेना आ जाती है और हमने खाने पीने का व्यवस्था बहुत अच्छी तरह कराया गया है, आप देखिए सेना इधर से उधर भटकती नहीं रहती, ये हनुमान जी की तलाश करती रहती है। बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान, बोलो बजरंग बली की जय। आओ राम प्यारी कैसी है, राम प्यारी अपने बच्चों को लेकर आ चुकी है, राम प्यारी अपने बच्चों को देखो, राम प्यारी बच्चों को लेकर आ चुकी है,
सेना टहल रही है, गदगद हो गई है। अरे अजूब अजूब अगरीब सेना है भाई, ये देखो लड़ाकू लग रही, लड़ाकू है। राम भद्री परिवार से है, राम भद्री के परिवार वाले ही लड़ते रहते हैं भाई। ओहो, ये तो राम भद्री की बहन है, मौसी की लड़की है, राम भद्री की मौसी। बोलो जय सियाराम, बोलो जय हनुमान, बोलो बजरंग बली की जय। बोलो जय सियाराम, बोलो जय हनुमान, बोलो बजरंग बली की जय। जय बोलती है, जय बोलती है, भक्तों की भगत है, भक्तों की भगत है। अरे भाई सेना है, हनुमान जी की सेना है, कोई मजाक बात नहीं है। ये देखो सेना कैसे बैठी हुई है, सेना को भरपूर केला वेला खिलाई जाती है, हजारों की संख्या में यहाँ पे सेना निवास करती है, लेकिन कोई भी भूखा नहीं रहती, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सेनापति उपसेनापति कोई भी हो, हनुमान जी का रूप है, परम पिता परमेश्वर रूप है। ये देखो ये भी बड़ी खतरनाक है, ये पलक झपकते ही पेड़ काट देती है, ये बड़ी खतरनाक है। इसने सेनापति के सबसे पहले इसी ने लठ मारा था, इसी ने लठों से मारा था। ये बोली कि हम भी तो हनुमान जी के भगत हैं, हम तेरे से कम थोड़ी है। ये बोली कि हम भी तो हनुमान जी के भगत हैं, हम तेरे से कम नहीं है। सेनापति हनुमान जी के सामने खड़े होकर रोने लगे बेचारे, हे प्रभु मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है, मुझको सेनापति का पद देने के बाद भी आपने मुझको इनसे तुमने पिटवा रहे हो। मैं तो तुम्हारा परम भगत हूँ, अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं सेनापति का पद छोड़ के आपके चरणों में बैठकर आपकी सेवा करूंगा। हनुमान जी बोले, नहीं, ये कैसी बात कर दी मेरे प्रिय भगत सेनापति जी। जब ही सेनापति को हनुमान जी ने अपने हाथों से गले लगाकर बोले, हे सेनापति, आप तो सेनापति ही रहेंगे, और सेनापति बहुत बड़ा पद होता है फोर्स के अंदर, फोर्स का मालिक होता है, फोर्स का संचालन करता होता है, और सेनापति फोर्स को लेकर चलते हैं। तो हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया है, भक्ति में शक्ति है। बोलो जय सियाराम, बोलो जय हनुमान, बजरंग बली की जय, श्री रामचंद्र की जय। भक्ति में शक्ति है, सेना अजर अमर है, हनुमान जी का रूप है, परम पिता परमेश्वर का रूप है। ये देखिए, ये भी राम भद्री के परिवार से है, राम भद्री के परिवार वाले तो लड़ते ही रहते हैं, इनको क्या बोले क्या ना बोले कुछ समझ नहीं आता, ये गुस्से में रहते हैं। लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, राम भद्री के परिवार वाले भी हनुमान जी के परम भगत है, हनुमान जी कभी कभार बोल देते हैं, अरे भाई तुम्हारे परिवार की झगड़ा है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरे लिए सब बराबर है। परम पिता परमेश्वर जी ये बोलते हैं कि मेरे लिए सब बराबर है। अरे भाई परम पिता परमेश्वर है, सृष्टि के रचयिता है हनुमान जी। हनुमान जी ने सूर्य को मुंह में लेकर सटक गए थे, हाहाकार मच गई थी, बड़े बलशाली है, परम पिता परमेश्वर है। अरे भाई उनके बिना तो संसार का पत्ता भी नहीं हल सकता भाई, उन्होंने तो वे काम किए हैं इस संसार में कि कोई नहीं कर सकता। जो हनुमान जी के भगत होते हैं, हनुमान जी के प्रिय भगत होते हैं, हनुमान जी कभी उनको रुसवा नहीं करते, हनुमान जी कभी उनको परेशान नहीं होने देते, हनुमान जी कृपा उन पर बनी रहती है। वानर सेना देखो कैसे कैसे घूम रही है, कैसे टहल रही है, वानर सेना के रूप में, परम पिता परमेश्वर हनुमान जी है। इनकी सेवा करेंगे तो हनुमान जी दर्शन निश्चित दे जाएंगे, क्योंकि यही वे फोर्स है, यही एक रास्ता है जो हनुमान जी के पास आपको ले जा सकता है, परम पिता परमेश्वर का दर्शन करा सकता है, यही एक जरिया है वानर सेना के द्वारा। ही आप परम पिता परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। बोलो जय हनुमान, बोलो जय श्री राम, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय। ये दो कैसे बैठे हुए हैं, हलचल साथ लग रहा है कि हलचल होने वाली है। नन्हे मुन्ने बच्चे ये देखो, छोटे मोटे ऊपर नीचे टहलते रहते हैं, वो देखो आप देखना, एक झाड़ी में छोटी बच्ची सी, छोटी नन्ही बच्ची हमारे पास आ रही है। ये देखो हनुमान जी की सेना है, परम पिता परमेश्वर की सेना है, आने वाले समय में यही सेनापति बन जाएगी, यही कारोबार संभालेगी हनुमान जी का, और यही भक्ति में शक्ति है। आ गया है राम भद्र के परिवार वाला आ गया है, ये भी बहुत बड़ा भगत है भाई। हनुमान जी इनकी लड़ाई में इंटरफेयर नहीं करते, केवल समझा देते हैं। अरे भाई सब अपनी है, हनुमान जी हंसी मजाक में टाल देते हैं, चाहे राम भतेरी हो, चाहे राम सुरफ हो, चाहे राम दुलारी हो, चाहे राम भतेरी हो, हनुमान जी सबकी लड़ाई टाल देते हैं। इनके पारिवारिक झगड़े होते हैं और परिवार में इंटरफेयर परम पिता परमेश्वर नहीं करते। आपको बहुत अच्छी नन्नी मुन्नी बच्ची का दृश्य दिखा देता हूँ, ये देखो, ओहो चुलबुली, अद्भुत नजारा हनुमान जी की सेना के द्वारा। सेना दोबारा कूच कर चुकी है, सेना आ रही है, देखो जंगल से दोबारा आ रही है, ये देखो राम भद्री परिवार वाले हैं, एक ही सूत में चलते हैं। जब राम भद्री चलती है तो पूरा परिवार उसके आगे भी चलता है, कहीं सेनापति के परिवार वाले हमला ना कर दे ये भी देखते रहते हैं। अरे भाई यही तो प्यार है, मोहब्बत है, रोटी भी खिलाई जाती है, केला भी खिलाई जाती है। अद्भुत नज़ारा हनुमान जी की सेना के द्वारा, और भक्ति में शक्ति चल रही है। जो भगत होते हैं हनुमान जी की सेना को कभी भूखा नहीं छोड़ते,
और हम खिलाने वाले नहीं है, हम खिलाने वाले नहीं है। आदेश जब हनुमान जी का होता है, हनुमान जी का होता है, जब ही खाने के लिए हम दौड़ दौड़ चलाते हैं। और आदेश डेली होता है, आदेश सुबह शाम का होता है, आदेश का पालन किया जाता है। और भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान, बोलो। अरे राम भत्री के परिवार वालों मत लड़ो, देखो राम भत्री के परिवार फिर लड़ने लगे हैं, हलचल मच हो चुकी है। राम भत्री के परिवार वालों मत लड़ो, अरे गुस्सा आ गया हनुमान जी को तो तुम्हें निष्कासित कर देंगे। छोटे छोटे पद तुम्हारे पास है, वे भी ले लेंगे, वे भी सेनापति के परिवार वालों को ही दे देंगे, ये समझो, मत लड़ो। राम भत्री की चुलबुली भतीजी, ये भतीजी है राम भत्री की, देखो नन्ना मुन्ना बच्चा कैसे टहल रहा है, गदगद नजारा हनुमान जी की सेना के द्वारा। जंगल मंगल हो रहा है, जंगल मंगल, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको हनुमान जी की सेना ही नजर आएगी। ये देखो नन्नी मुन्नी बच्ची अपनी माँ के साथ कैसे टहल रही है, और भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। अरे राम भतेरी मत लड़ना किसी के साथ, चुपचाप खाती रहे। और राम भतेरी का पूरा गैंग का गैंग चलता है, उसके हस्बैंड, उसके परिवार वाले सारे आ जाते हैं। हर टाइम लाल मुंह होता है, लाल मुंह बना रहता है, लाल मुंह, पता नहीं क्या करती है क्या नहीं, क्या खाती है क्या नहीं, प्योर माल खाती रहती है और लड़ती रहती है, डरती नहीं किसी से, डरती भी नहीं है। सेनापति को बोलती है कि तू सेनापति क्या हुआ, मैं तो सेनापति का पद छोड़ देता हनुमान जी बाबा जी कहने से, नहीं मैं छोड़ने वाले नहीं थी, तुमको पटक पटक के मारती। सेनापति को यह बोला कि तुमको पटक पटक के मारती, राम भतेरी ने बोला खुल्लम खुल्ला पूरी सभा में। अरे क्या हो रहा है धूल, अरे यार लड़ाई हो जाती है राम भतेरी के परिवार वालों में, लड़ाई हो जाती है, क्या बताएं, इनको समझाने वाला तो बस कोई नहीं है। ये देखो ताक में बैठा हुआ है, कहाँ से क्या हो रहा है, ये हथियार बंदूक राइफल सब खा लेते हैं भैया, ये डरते नहीं है। अरे हनुमान जी की सेना है, जंगल मंगल है, लड़ाई मत करो राम भतेरी की लड़की, लड़ाई मत करो। बोलो जय सिया राम, बोलो जय हनुमान, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो बजरंग बली की जय। खाना हो चुका है, खाना खा चुकी है सेना, खाना खा चुकी है। ये देखो सेनापति पानी पीते हुए नजर आएंगे आपको। अच्छा ये तो उपसेनापति है। उपसेनापति जंगल में कैसे घूम रहे हैं, क्या नज़ारा है। और भक्ति में शक्ति है, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से सभी को खाना खिलाया जाता है। दूर दराज जहाँ तक नजर आएगी आपको प्रिय फोर्स हनुमान जी की नजर आएगी। पूरा जंगल फोर्स से भरा हुआ है, लाखों की संख्या में जंगल में मंगल होता रहता है। हट जाओ। देखो अद्भुत नज़ारा छोटी बच्ची के द्वारा, ये देखो छोटी बच्ची कैसे टहल रही है, ये देखो लेट रही है, क्या नज़ारा है हनुमान जी की सेना के द्वारा है। इनकी सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा प्रसन्न होता है मन, और सारे दुख दूर हो जाते हैं। नन्नी बुच्ची झाड़ियों में कैसे खिलाड़ी कर रही है, हमारे पास आने को मन कर रहा है, आ जाओ बाबू, आ जाइए, खाना खा के अपना आराम फरमा रही है। ये देखो अद्भुत नजारा हनुमान जी की सेना के द्वारा। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय। अरे भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। दोबारा सेना आ चुकी है, जंगल में प्रवेश कर रही है। दोबारा सेना जो खाना नहीं खा जिन्होंने, उनको बुला दिया गया, हनुमान जी का आदेश का पालन किया जाता है, वे दोबारा आ रही है, खाने के लिए आ रही है। पूरे जंगल में मंगल हो रहा है, देखो पूरे जंगल में मंगल हो रहा है। ओ भैया लड़ना मत, लड़ने की जरूरत नहीं है, पूरा जंगल में मंगल हो रहा है। दोबारा सेना जंगल में प्रवेश करने के लिए आ रही है, और जंगल में मंगल है। क्या हो रहा है, राम भद्री के परिवार वाले, क्या हो रहा है। ऐसा बैठा है मासूम सा, जैसा कुछ जानता ही नहीं। और इसी ने सेनापति के गधा मारता पीछे पीठ पे, कैसे पूंछ उठा के जा रहा है। हनुमान जी ने इसको समझाया, जब समझ में आया, परमपिता परमेश्वर तो सभी को समझाते रहते हैं, भक्ति में शक्ति है, आखिर हनुमान जी की सेना है, परमपिता परमेश्वर की सेना है। बोलो जय सिया राम, बोलो जय हनुमान, बोलो जंगल मंगल हो रहा है। ये देख कैसे उछल कूद कर रहे बच्चे, सभी का ध्यान रखा जाता है। जंगल अभी खाली नहीं हुआ है, फौज आ रही है जा रही है, शाम का खाना चल रहा है, डेली सुबह शाम का खाना चलता रहता है। फिर फौज जो बची हुई है उनको भी खाना खिलाया जाएगा, उनको भी लगातार केला मूंगफली चने के दाने खिलाए जाएंगे। फौज के लिए सारी सुविधा की गई है। जो कहाँ बैठी हुई है, बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान, बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान। अरे जंगल मंगल है भाई, जंगल मंगल है। ये देख कैसे बैठी है राम भतेरी, चुपचाप रहती है, लेकिन गुस्से वाली है, अभी दिखाऊं कैसे गुस्सा करती है। राम भतेरी देखो, कैसे बैठा है, ये देखो, ये इसका देवर बैठा, देवर इसका बॉडीगार्ड है, राम भतेरी के बॉडीगार्ड के दर्शन कर लीजिए। वो चल रहा है, राम भतेरी का बॉडीगार्ड है भाई, राम भतेरी का बॉडीगार्ड है। और भक्ति में शक्ति है,
बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान, बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान। ये देखिए आपको अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। राम भद्र के परिवार वाले, बहुत बड़ा गुट है इनका, एक साथ ही चलते हैं, मिलजुल के चलते हैं। कभी ये महसूस करते हैं कि सेनापति के मिलने वाले हमला ना कर दे, इसीलिए सभी साथ साथ चलते हैं। अरे इनकी आपस की लड़ाई है, हम कुछ नहीं बोल सकते भाई, हम कुछ नहीं बोल सकते। हनुमान जी ने भी इनको बैठा के समझा दिया था कि तुम्हारी पारिवारिक झगड़े हैं, मेरे लिए सब बराबर हैं। परम पिता परमेश्वर के सामने रोने लगे हाथ जोड़ जोड़ कर, हे प्रभु हे प्रभु। अरे परम पिता परमेश्वर दयालु है, सृष्टि के रचयिता है और बहुत ही कोमल दिल वाले हैं। परम पिता परमेश्वर हनुमान जी की जय। दोनों को समझाते हैं और हंसी हंसी में दोनों को गले लगा लेते हैं। बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान। दोनों को बोलते रहते हैं परम पिता परमेश्वर, हे वानर सेना, आपके अंदर मैं हूँ और मेरे अंदर आप हो, आपके अंदर मैं हूँ और मेरे अंदर आप हो, यही बोलते रहते हैं, यही बोलते रहते हैं। और ये हकीकत है, वानर सेना के अंदर श्री श्री पवन पुत्र हनुमान, सृष्टि के रचयिता वानर सेना के अंदर निवास करते हैं। उनकी सेना अजर अमर है, उनकी सेना विशाल है, उनकी सेना बहादुर है। बोलो जय सिया राम, बोलो जय हनुमान, बोलो बजरंग बली की जय। बोल दो, अरे जय बोल दो, जय बोल दी गई है, जय बोल दी गई, जय बोल दी गई है, जय बोल दी गई है। बराबर जय बोल देती है सेना, सेना जय बराबर जय बोल देती है, बराबर जय बोल देती है। देखो सेनापति का परिवार वाला तो नहीं है, अरे ये तो राम भद्री परिवार वाला उछल कूद कर रहा है, उछल कूद। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये देखो राम भद्री कहाँ गया, कहाँ गया। आ गई थी राम भद्री, आ गई थी लड़ने के लिए राम भद्री, आ गई थी राम भद्री, आ गई थी लड़ने के लिए राम भद्री, राम भद्री कहाँ गई, राम भद्री कहाँ गई, राम भद्री, राम भद्री लड़ने के लिए आ गई थी, आ गई थी, आ गई थी राम भद्री लड़ने के लिए। आखिर राम भद्री है, राम भद्री है, राम भद्री है, राम भद्री लड़ने के लिए आ गई थी भाई, राम भद्री लड़ने के लिए आ गई थी। बोलो जय सिया राम, बोलो जय हनुमान, बोलो बजरंग बली की जय। राम भद्री लड़ने के लिए आ गई थी, राम भद्री है, इसको कोई समझाने वाला नहीं है, साथ युद्ध होने वाला है, हलचल हो चुकी है, हलचल हो चुकी है। राम भद्री, राम भद्री लड़ने के लिए कभी भी आ जाती है भैया, इसको समझाने वाला तो केवल पवन पुत्र श्री श्री हनुमान जी है। बोलो जय सिया राम, बोलो जय हनुमान, बोलो जय सिया राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान, बोलो जय श्री राम। जंगल मंगल।